गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नारायण सुतार गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी तक मैंने कुल 3 वीडियो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए अपलोड कर दिए हैं, जिसमें वॉलवॉक्स की सामान्य संरचना और जनन को 3 भागों में 3 अलग अलग लेक्चर में डिस्कस किया था। आप उन वीडियोज को पुनः देखें, समझें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का एक पेपर, जिसका नाम है पेलियोबॉटनी टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इस टॉपिक के अंतर्गत या इस पेपर के जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है वो है महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, जैसे कि अपन जानते हैं कि निकट भविष्य में एग्जाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी के द्वारा नियमित होने वाले पेपर में प्रश्नों को कुल 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होते हैं। पार्ट ए में कुल 10 प्रश्न होते हैं, जो शॉर्ट कमेंट के टाइप्स के होते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो गत वर्षों के पेपर में आए हुए हैं और पुनः आने वाले पेपर में ये रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। एक बार हम इसको रिवीजन कर लें तो हमारे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं, हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है या इसका आंसर क्या होता है। जैसे 2013 के प्रश्न पत्र में ये कुछ एक प्रश्न आए थे, उसमें से पहला है कूट जीवाश्म। जीवाश्म विद्यार्थियों वो होते हैं जो भूतकाल में, बहुत पहले समय में, पौधे अथवा जीव जंतुओं के जमीन में दबने के बाद में भूगर्भीय हलचल के फलस्वरूप वो अवशेषी प्रारूप में रह गए या फिर उनकी कोई विशेष आकृतियाँ चट्टानों में बन गई, वो आज हमें खोदने पर मिलते हैं, उसको हम जीवाश्म कहते हैं। कूट जीवाश्म उसी से संबंधित है। चट्टानों में उपस्थित खनिजों के क्रिस्टलीकरण के कारण, वो खनिज धीरे धीरे वहाँ से विघटित होते रहते हैं, क्रिस्टलीकरण के कारण उन क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के आकार के एक डिजाइन बन जाती है, उस डिजाइन को कूट जीवाश्म कहते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न एक आता है 1 नंबर का, जिसमें कूट जीवाश्म की परिभाषा पूछी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे किस जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबी ग्रीवा युक्त स्त्रीदानी पाई जाती है, सबसे लंबी का पूछा इसने और सेकेंड जिम्नोस्पर्म को पूछा है, तो इसमें विद्यार्थियों इसका आंसर है एफ्रिडा। एफ्रिडा में 30 से 40 कोशिकीय ग्रीवा क्षेत्र पाया जाता है, सबसे लंबी ग्रीवा की होती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, राइनिया की खोज किसने की थी। प्रश्न इसी प्रकार का है। तो विद्यार्थियों, राइनिया की खोज किनेस्टन व लेग द्वारा 1917 स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर क्षेत्र के राइनी क्षेत्र से खोजा गया था। तो पूरा नाम इसका एबरडीन शायर क्षेत्र के राइनी क्षेत्र से, राइनी क्षेत्र से खोजे जाने के कारण ही इस टेडोफाइट्स का नाम राइनिया रखा गया है। राइनिया की 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक तो है राइनिया मेजर और दूसरी है राइनिया गुआनी वागानी। ये एक प्रकार का फॉसिल्स है जिसको फॉसिल्स टेडोफाइट्स के रूप में सिलेबस में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, उबी फ्लोमी नालदम क्या होता है और किस में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय भाग में जाइलम
जाइलम के साथ में पाए जाने वाली फ्लोएम, फ्लोएम के बाद पाई जाने वाली पेरिसाइकल सहित पूरी संरचना को स्टील कहा जाता है, जबकि केवल जाइलम और फ्लोएम को सेवन पुल कहा जाता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, स्टील की हो रही है। यदि केंद्रीय भाग में जाइलम है अर्थात वो ठोस अवस्था में नहीं है, सॉरी ठोस अवस्था में, तो इसको ठोस श्रम कहेंगे। लेकिन यदि इसके जाइलम के भाग में पित्त पाया जाए तो पित्त के विघटन होने के कारण एक खोखली नलिका बनती है, ऐसे रम को नाल रम कहते हैं। रम के प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो 3.5 नंबर का प्रश्न आता है। उस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस खोखली नलिका के चारों ओर जाइलम और जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, तो हम ऐसे नालरम को बहिर फ्लोएमी नालरम कहते हैं। लेकिन यदि इस जाइलम के आंतरिक भाग की आंतरिक सतह पर और बाह्य सतह पर दोनों जगह पर फ्लोएम उपस्थित हो, तो बाह्य फ्लोएम को बाह्य फ्लोएम और अंत फ्लोएम हो, तो हम ऐसे नालरम को उबे फ्लोएमी, उबे का मतलब दोनों सतह पर फ्लोएम प्रेजेंट है, उबे फ्लोएमी नालरम कहते हैं। ऐसा मार्सिलिया में पाया जाता है। मार्सिलिया एक जलीय टेडोफाइट से, इसका सामान्य नाम पेपरवर्ट है। तो मार्सिलिया के प्रकरण के इस प्रकार की कंडीशन मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारे भौगोलिक समय सारणी से है, जिसमें 5 महाकल्प में विभक्त किया गया है। महाकल्प को पुनः काल में और काल को पुनः उपकाल में विभक्त किया गया। सामान्य तौर पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस महाकल्प को बीजीय फंड का युग कहा जाता है, साइकेट्स का युग कहा जाता है, अथवा एंजियोस्पर्म का युग माना जाता है, क्योंकि ये पादप उस काल के अंदर, उस समय के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में या विकसित प्रारूप में पाए जाते होंगे। तो विद्यार्थियों, एंजियोस्पर्म के युग के नाम से सीनोजोइक महाकल्प को माना जाता है, बीजीय फंड के युग के नाम से पैलियोजोइक महाकल्प को, और साइकेट्स के युग को मीसोजोइक महाकल्प को कहा जाता है। एक और एडिशनल क्वेश्चन है इसमें कि इसको महाकल्प को काल में बांटा गया, जिसमें से एक काल है प्लास्टोसिन। प्लास्टोसिन से पूर्व के पौधे ही जीवाश्मों की श्रेणी में आते हैं, इसके बाद के नहीं आते हैं। कुल 5 प्रश्न जो छोटे प्रकार के होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसका उत्तर उसी वे में दिया जाए, तो हमें अधिक से अधिक अंक मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेडन हेयर फंड किस टेडोफाइट को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, एडेंटम इसका आंसर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पर्णवंत, जिसका रंग चमकीला काला होता है, वह स्त्रियों के सुंदर बालों के समान होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको मेडन हेयर फंड के नाम से जाना जाता है। ये एक उपनाम है। ठीक इस प्रकार के उपनाम अन्य टेडोफाइट्स के भी हैं, जैसे लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, सिलेजिनिला को स्मॉल क्लब मॉक्स कहते हैं, सिलेजिनिला की एक प्रजाति जिसको सिलेजिनिला रूपेस्टिस कहते हैं या लेपिडोपिला कहते हैं, ये शुष्क वातावरण पाई जाती है और आर्द्रता मिलने पर पुनः जीवित हो जाती है, इसलिए इसको पुनर्जीवी पादप कहते हैं। मार्सिलिया को पेपर वर्ड कहते हैं और इक्विसिटम को हॉर्स टेल फंड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉमन नाम होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकस की कोरेलाइड रूट। साइकस में दो प्रकार की रूट्स पाई जाती है, एक तो नॉर्मल रूट्स होती हैं और दूसरी होती हैं कोरेलाइड्स रूट। तो कोरेलाइड रूट्स अथवा प्रवलाव मूल में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है? तो वो विद्यार्थियों, एनाबिना है, जो कि साइनोफाइसी क्लास का एक मेंबर है। कभी कभी एनाबिना के साथ में अन्य साइनोफाइसी के प्रजातियां पाई जा सकती है। ये एनाबिना
में उपस्थित हेटेरोसिस कोशिका है, इसके साथ में साइकस की मूल के साथ में सहजीवन जीवन व्यतीत करते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो ये साइकस की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घन दारू अथवा पिक्नोजाइलिक कास्ट क्या होती है? ऐसी कास्ट जिसमें पित्त और कॉर्टेक्स न्यूनीकृत हो, बहुत अल्प मात्रा में हो, और जाइलम तत्व अधिक मात्रा में हो, तो उसको घन दारू कहते हैं। यदि उसमें पित्त और कॉर्टेक्स की मात्रा सामान्य से ज़्यादा है तो जाइलम की मात्रा कम होगी, उसको हम विरल दारू कहेंगे। विरल दारू कास्ट साइकस में पाई जाती है और घन दारू कास्ट पाइनस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फर की वर्षा क्या होती है? अगेन ये पाइनस से है। पाइनस की लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इन लघु बीजाणुओं का रंग पीला होता है, ये बहुत अधिक संख्या बनती है। गर्म और शुष्क वातावरण उपस्थित होने पर लघु बीजाणु धानियाँ परिस्फुटित होती है, जिससे वातावरण में लघु बीजाणु बिखर जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण पीलामय हो गया और गंदगी वर्षा हुई हो, इसीलिए इसको गंदगी वर्षा अथवा सल्फर की वर्षा कहते हैं। एक और क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम के अंदर आता रहता है वो है, सैनियों की बार क्या होती है? सैनियों की बार अथवा सैनियों की शर्त क्या होती है? ये पाइनस से संबंधित है। पाइनस की कास्ट में या जाइलम के अंतर्गत गर्त पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परिवेशित गर्त और एक होता है सामान्य गर्त। तो गर्त के चारों ओर अर्धचंद्राकार पट्टिकाएँ होती है, जो कि विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का स्थूलन होता है, जो सेलुलोज हेमी सेलुलोज का बना होता है। इन अर्धचंद्राकार पट्टिकाओं को सैनियों की बार कहते हैं। ये भी एक छोटे क्वेश्चन के रूप में बनता है। विद्यार्थियों, आज के इस 10 प्रश्नों के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगली लेक्चर के अंदर पुनः हम इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लगातार गायत्री कॉलेज छाछौर के छाछौर पर उपलब्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ को देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।